इंडियन सिनेमा के पास ऐसी मूवी जिन्होंने बेबस के मामले में मार्वल को भी पीछे छोड़ दिया। नंबर 5 पर आते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी। 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किए थे आयन मुखर्जी ने और ये मूवी बेस्ट बेबस के मामले में कई सारे मूवी का रिकॉर्ड तोड़े है। लेकिन ये मूवी अपनी 410 करोड़ की बजट अभी तक उठा नहीं पाई। नंबर 4 पर आते हैं रोबोट। रोबोट 26 अक्टूबर 2011 को रिलीज हुई। ये मूवी इंडियन सिनेमा के सबसे पहले बेबस और सुपर हीरो मूवी थी, लेकिन उसी टाइम पे ये मूवी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई। नंबर 3 पर आते हैं रोबोट 2.0। 20 नवंबर 2013 को रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किए थे एस शंकर ने और ये मूवी बेस्ट बेबस के कारण इंडियन सिनेमा में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 2 पर आते हैं एसएस राधामौली सर की त्रिपालार मूवी और ये मूवी बेस्ट बेबस के कारण भारत देशों में भी अपना नाम बना ली और इसी के साथ मार्वल के एक्टरों ने इस मूवी की बेबस की तारीफ की। नंबर 1 पर आते हैं इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर एसएस राधामौली सर की बाहुबली 2। 18 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई इस मूवी से साउथ सिनेमा को एक अलग पहचान मिली थी और एसएस राधामौली सर की बेस्ट बेबस यूज करने के कारण ये मूवी इंडियन सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवीज में से एक बन गई थी। तो इनमें से आपका फेवरेट मूवी कौन सा है जरूर से कमेंट करके बताना।